What's up, everybody? Welcome to Miles on Bike. This is Randhir Pratap Singh. This is Komal Singh Sira. And we are reporting live from Bikaner. Hey, नीचे तो ट्रक पास होना. Oh ho! हमारे आसपास है पूरा desert. और देखो मैं सुबह सुबह उठा ऐसे लग रहा है मेरे को आई फ्लू हो गया, पर ऐसा नहीं है. एक मोटा मच्छर मेरी आंख में ऐसे टक्कर मारी. So I cannot see from this eye anymore. पीछे मेरे इधर बीकानेर है, पीछे है डेजर्ट पूरा. हम लोग इस टाइम जा रहे हैं नागनीची टेम्पल, है ना? नागनीची नहीं, हम लोग इस टाइम इसको बोलते हैं करनी माता मंदिर, लोग इसको चूहे वाला टेम्पल भी कहते हैं. और वहाँ पर हम ढूंढेंगे एक सफेद चूहा, क्योंकि सुनने में है कि अगर सफेद चूहे को देखो तो लकी होता है, तो हमारा आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है. तो हमारा एक एसोसिएट है विघ्नेश चंद्रन, उसने बोला कि उस चूहे को देखने पे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं. तो आज हम 2 करोड़ रुपए ढूंढने जा रहे हैं, देखते हैं हमें 2 करोड़ रुपए मिलते हैं. पर एक बार ये है कि अगर वो चूहा तुम्हें 2-3 बार से ज्यादा दिख जाए तो 2 करोड़ माइनस में कैंसिल हो जाते हैं. 2 करोड़ कैंसिल. यार देखो यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज्यादा है, तो तुम ना आज हमसे बहुत कोई ग्रेट कॉन्टेंट एक्सपेक्ट मत करना, इवन दो वी विल ट्राई टू शूट इट, बट इस मौसम पर मत जाओ. ऐसा मौसम नहीं है आज, वैसी हवा चल रही है ना, ये हम सुबह के 5 बज रहे हैं और ऐसा मौसम है. और 8-9 बजते ही क्या मौसम चेंज होता है, हम आपको बताएंगे क्या मौसम के मजे आ जाते हैं. देखो कितना सुंदर रेगिस्तान, वो देखो पूरा इन्फिनिटी तक. और मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैंने सवेरे सवेरे गांजा पीता है. ये देखो मेरी आँख पूरी सूज गई है. वो देखो कितना सुंदर रेगिस्तान, ये देखो दूर तक वही दिखता है. और यहाँ पर बिल्कुल एकदम कहते हैं ना एग्जैक्ट वाले, जिनको टीले बोलते हैं, सैंड ड्यून्स नहीं है, उनके पेड़ वेड़ उगे होते हैं. वैसे सैंड ड्यून्स देखने के लिए आपको विंटर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब हम जाएंगे जैसलमेर. इतना वहाँ पूरे बिल्कुल बिना पेड़ वाले होते हैं. आज हम जा रहे हैं चूहे वाला मंदिर, करनी माता मंदिर. तो लेट्स गो. वी हैव रीच्ड करनी माता टेंपल एंड वी आर हैविंग आवर फेवरेट टी. The tea is really nice. हम पहुंच चुके हैं और गोमर मुझे थोड़ी ब्रीफिंग दे रही है इस टेंपल के बारे में. तो मैं इसे बता रही थी कि करनी माता टेंपल में, क्योंकि यहाँ पे चूहे होते हैं और चूहों को चूहा नहीं बोला जाता, यहाँ पे ऑफेंड हो जाते हैं लोग, काबा बोला जाता है. जब चलते हैं तो पैर उठा उठा के चलते हैं ना नॉर्मली, तो यहाँ पे घसीट घसीट के चलना, ड्रैग करके चलना पड़ता है अपने पैर, ताकि चूहे बाई चांस काबा बाई चांस आपके पैर के नीचे ना आ जाए. और अगर आपके पैर के नीचे काबा आ जाता है तो, एंड दिस इज रियल, आपको तू भी सुन ले, एंड दिस इज रियल, आपको एक सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है. मतलब अगर वो मर जाए तो सोने का चूहा चढ़ा, समझ आई? धनकरण भैया पूछ रहे थे तुम्हारा चैनल यूट्यूब पर आएगा कि नहीं, इनके फोन पे आएगा कि नहीं. बिल्कुल आएगा, आप सर्च करो, आप भी दिखोगे उसमें. गाइज यू नीड टू टेक ऑफ योर शूज, अगर कार में आते तो गाड़ी में रखाना, अदरवाइज यू हैव टू कीप इट विद दीस प्रसाद सेलर्स एंड देन दे विल चार्ज यू. आई एम नॉट श्योर. दीज आर द गार्डियन शेर, बट यहाँ के लोगों ने इतना खिला दिया, अब शेर कम बेचारा खा खा के शेरा बन गया है. इसके देखो गाल इतना ठूस रखा उसके मुंह में, उसके बाहर ही आ गया खाना. थोड़ा सा कम खिला, थोड़ा एथलेटिक रहेगा शेर. ये शेर जी हैं,
इनके पैर दबाए जाते हैं और इनके कान में आप अपनी मुराद बोल सकते हो तो वो पूरी हो जाती है। मेरे हिस्से की भी बोल दियो प्लीज़। अच्छा अच्छा बोल दियो मेरे बारे में बहुत। अरे बस कर बोल ले बोल। चलिए बात करिए, मैं शॉर्ट चेंज करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे घूमने आए हैं मंदिर। तो गाइस ये रहा टेंपल। होगी तेरी मुराद पूरी? मैं एकदम डिटेल में समझा रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। 15 मिनट से बात कर रही थी ये शेर से, मतलब पता नहीं क्या डिमांडे रख के। एक लिस्ट ले जाती, बकेट लिस्ट लिखाती उनको कि ये बकेट लिस्ट है जी, पूरी करा देना। आगे बहुत डर लगेगा, चूहे ही चूहे हैं हर जगह, मतलब घाटा क्या काबा, काबा ही काबा है यहाँ पे, बहुत सारे काबाज, मूचो काबाज। सैर पे जाती हैं, थोड़ा मूव करती हैं, लेकिन हमने पंडित जी से पूछा तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने अपने आप कहानियाँ बना रखी हैं, कहीं नहीं मूव करती, यहीं रहती हैं, इतनी एक्टिव नहीं है ये। धोखा। तो गाइस ये हमारे पीछे जो जगह है ना, यहाँ पर मिलता है द लकी, मिलता है मतलब पाया जाता है द वाइट काबा। तो वी आर गोइंग, और कहते हैं कि ना वाइट काबा को देखना बहुत लकी होता है, और पर उसको ढूंढना मुश्किल होता है, वो कभी कभी दिखता है। तो आज तो मैं ढूंढ के जाऊँगा, आज आई विल सर्च फॉर द वाइट काबा एंड बिकम मोर लकी। वो बताई थी ना 2 करोड़ वाली बात, ध्यान है। ये देखो कोमल को कितना ज़्यादा डर लगता है, चूहों से बेचारी मंदिर के बीच में खड़ी है, उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतनी कॉन्शियस हो जा रही है वो, पैर रखने में भी डर लग रहा है, हर तरफ चूहे ही चूहे हैं ना। ये देखो यहाँ पर इतने सारे काबाज, वहाँ पर भी हैं काबाज, तो इसकी शक्ल देखो, इसके हवा उड़ रखी है, इसकी बुरी बुरी हालत है। इस चूहे को देखो, खिड़की पे कुछ मांगने गया है। हाँ भाई अंदर मिठाई मिठाई मिल रही है। कोमल डरो मत। वाइट चूहा है, मिल गया है, और कहते हैं बड़ा सा वाइट सा चूहा है।
वो मिल गया हमारे को व्हाइट चूहा, उस तरह मुंह करके सो रहा है द फेमस व्हाइट चूहा। बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है वो घूमने फिरने में इनके साथ, बाकी चूहों के साथ। सो ही स्लीपिंग, सो वी आर लकी नाउ। वो रहा व्हाइट चूहा, बहुत अंदर जाके मिला है, जिसको जगह को बाहर से देख रहा था मैं वहां से मिला है अंदर। चलो चलो चलो, डोंट बी स्केयर्ड। कोमल इज स्केयर्ड टू डेथ। चल चल चल, कूद जा, भाग जा एकदम बाहर। कोमल को लग रहा है चूहों से डर। बहुत ज़्यादा लकी हो चुके हैं, 2 करोड़ रुपए अभी मेरे बैंक में ट्रांसफर होने वाले थोड़ी देर में। व्हाइट चूहा मुझे मिल गया, 2 मेरे 2, इसके 4 करोड़ अपने पास आने वाले हैं। मैं BMW और KTM 1290 अब खरीदने वाला हूँ। अंदर पीछे मुझे व्हाइट चूहा मिल गया, उसने मेरे ट्रांसफर करवा दिए पैसे। और हम एक्सट्रीम लकी भी हो चुके हैं, चूहा मिल गया। हमने चूहे को देखा, चूहे को देख के हम हुए बड़े खुश, व्हाइट चूहा, पर वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। मतलब वो फिर यहाँ का सेलिब्रिटी था ना भाई, उसी को देखने बंदे आते तो फिर अक्कड़ तो बनती है। ही वॉज नॉट दैट हाइप्ड अप बाकी चूहों की तरह। बाकी चूहे तो दंगा फसाद कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, दूसरे घूंसे मार रहे हैं, तो वो लीस्ट इंटरेस्टेड था। लड़ रहे हैं मतलब, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऐसे खड़े हो गए। क्योंकि वो ये न्यू बिल्डिंग बन रही है मंदिर की बैक साइड पे, वो रहा करनी माता टेम्पल। अब हम वापस जा रहे हैं घर, और ये पड़ता है देशनोक में। दिस इज 30 किलोमीटर फ्रॉम बीकानेर। आप बीकानेर पे आके गूगल सर्च करो देशनोक, बहुत सिंपल सा रूट है जोधपुर हाईवे से, बस सीधा सीधा आना, एक लेफ्ट लेना, उसके बाद डायरेक्ट आप सीधा इसी मंदिर पहुंचोगे। कोई डिफिकल्ट रूट नहीं बीकानेर से, बहुत ईजी रूट है। टाइम क्या हो रहा है अब? टाइम कम ही हो रहा है, टाइम हो रहा है। ये मेरे पापा करते होते, हम जब पापा से टाइम पूछते और घड़ी में ना पाते, घड़ी बन गई, तो चलो वापस चलते हैं। One of the best thing about the temple is that you can shoot videos and you can take your cameras there. They will charge you 30 rupees per camera. And that is not much to ask for. This is the best thing about the temple, that any amount of cameras that you want to carry, you just have to pay 30 rupees and you can shoot and record, do anything in the temple. And the best part, we as vloggers, we really appreciated it, because we have to go to every temple. Every place we have to go, but here we don't. And here is the main temple, the main temple is inside, there you can shoot it. You can shoot the camera there, so there is no problem in that. Thumbs up to this. Let's go home! You have to do it. I have to go to the brother. I don't want to go. हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर। वो भैया पूछ दो भाई, एक भैया ना बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो वो कहते यूट्यूब पे हो, फिर वो कहते अच्छा क्या होता है, क्यों नहीं होता, फिर वो कहते इनको यूट्यूब पे आना है। दूसरे भैया कहते हैं, अब वो दूसरे भैया पक्का कर रहे थे कि हमने उनको यूट्यूब पे ले लिया कि नहीं, वो आ गए हैं। ये टेम्पल का जो गूगल टाइम है वो लिखा है 5 से 10 बजे तक खुला रहता है, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। बट लोकल जो जाते हैं कि ये टेम्पल रात को 3 बजे खुल जाता है, 3 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है। कोई एंट्री फीस नहीं है, अगर आप कैमरा वैमरा कैरी करते हो तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। प्रसाद वाले यहाँ पे भी हैं और अंदर भी हैं प्रसाद वाले, आप प्रसाद प्रसाद वहीं से ख़रीद सकते हो। और खाने पीने का भी सब इंतज़ाम है यहाँ पे, हर तरफ खाने पीने के भोजनालय और रेस्टोरेंट्स हैं। तो बस यही है इस मंदिर के बारे में। काबाज आर ग्रेट, तो लेट्स गो बैक टू बीकानेर। टाड़ा गाइस, ये घड़ी अपनी बम हिमालयन। चलो चलते हैं घर।